और ये बात भी नहीं, इस कौम को किसी ने दसे नहीं सी कि हुजूर दी मोहब्बत है कड़ी शायद, और इस ना हो की सकता कायनात का निजाम बदल नहीं गया। वो कोई भी काम दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ करने लग दें, दाएं लगते लबैक एक गल है, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब है। बाबा जी ने किसे मलामत आने की मलामत कबूल नहीं की थी, किसे जनाब डराने वाले का डर कबूल नहीं किया, बस एक ही सबक दिता कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और इस्लाम सदा इम्तिहान भी नहीं देता, वो इनाम ऐसे देता कि लोग अजे तक जनाजे के बंदे गिन रहे हैं, भाई इतने साल, इतने साल, इतने साल, इतने साल, इतने साल। मैं क्या बाबा जी एक पैगाम दे के गए, असी अपनी बड़ाई नहीं करते, असी तो कुछ भी नहीं, और असी तो उस दर के भी कुत्ते नहीं बनते जितने इमाम अहमद रजा ने एक बार बैठ के कलम चलाया, असी तो उस दर के भी कुत्ते नहीं बनते। लेकिन बाबा जी एक दस के गए, क्यों तुम मेरे वास्ते नहीं, मेरे बाला ना लड़ के बिठाओ। और फिर देखो हर चीज निजाम उलट के रख दिता, हर चीज बदल के रख दी। कोई कहने जी ठंडे पै गए, मैं क्या पिंड ला लो अग देख लेने कितने ठंडे। फरिश्तों में क्यों कर उठू, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। असि तो कहना जनाब इससे सीखना था, जीते रहे इससे सीखना था जनाब, सारी जिंदगी गुजारी कि यार सुनना कदों जनाब थोड़ी बारगाह में हाजिर होवोंगे, तो फिर उठे मस्ताना बार बार नारा लावोंगे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जिसके बारे बाबा जी साढ़े कह के गए कि हम सुबह हशर चलेंगे, बड़ी सिख सी कि जनाब क्यामत वाला मंजर, हुण क्यामत वाले मंजर वास्ते एक सिख हो रहे कि जब सारे जमा होंगे तो हुजूर किधरे एक बारी फरमा दें, और किधर है फादर हुसैन रिज़वी, मेरे वास्ते बड़ा सताया कि आज से मंजर हूँ देखना, और उस मंजर के नाम पर चलना कि हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवान काफिलाए सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ये हुजूर की मोहब्बत का असर है, वरना सजन गैसन डी चौक दो घंटे नहीं गुजरे, और जनाब कई आ गए व्हील चेयर होते सादे गैसन, मैं कहा जलिया जे हुजूर की मोहब्बत दिल च ना हो ना तो बंदा सीधा खड़ा व्हील चेयर से बह जाता, जे हुजूर की मोहब्बत दिल च हो तो व्हील चेयर बैठा बैठा पूरा बंदा उम्मत खड़ी कर देता। और याद रखना कि अल्लाह ताला हर एक को अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देता, हाँ हर एक बस की गल में और मोहब्बत सामना और उस मोहब्बत को संभालना, उस मोहब्बत पे बड़े इल्म ने कहा मुझसे कि इश्क है दीवानपन। अलामा इकबाल फरमाते हैं इल्म मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, इल्म ने मुझसे कहा कि इश्क है दीवानपन, और इश्क ने मुझसे कहा कि इल्म है तखमीन और ज़न। इकबाल कहता इश्क मैं कहने लगा अक्ल जड़ी है ना, ये हिसाब किताब लेंदी जावांगे नफा कितना होएगा नुकसान कितना होएगा, चूंके चनाचे रिश्तेदार तो नहीं नाराज हो जाएंगे, हमसाए तो नहीं नाराज हो जाएंगे, चाचा जी फलाने तो नहीं नाराज हो जाएंगे। कहता इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तखमीन और ज़न, तखमीन ज़न किरमे किताबी न बन, इल्म है इब्नुल किताब इश्क है उम्मुल किताब। हाँ इश्क जड़ा ना वो फिर अपने रास्ते और अपने उसूल और अपने जाब्ते खुद बनाना, इश्क और इश्क की राह ये, और इश्क की राह ये जड़ी मंजिल को पहचानती। हाँ अकल दियाबो जस्तजू इश्क हुजूर इस्तराबे, अल्लाह ताला मेनू ते तुहानू हुजूर दी कामिल मोहब्बत अता फरमाए। तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकजी कायदीन के वीडियो बयानात और मजीद नई अपडेट हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके।